उर्फी, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? मैं जानती हूँ कि जूही की शादी हमसे पहले हो रही है। देखो, वैसे भी मेरी और उसकी आपस में नहीं बनती। अच्छा है वो मेरे आने से पहले खैर से अपने घर चली जाएगी, फिर हम शादी कर लेंगे। तुम प्लीज इसकी परेशानी मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात ही नहीं है। तो फिर क्या बात है? तब्रेज ने इसने दूसरी शादी कर ली है। क्या? हाँ। अफसोस की बात यह है कि सब मिले हुए थे उसके साथ, सब जानते थे सिवाय मेरे। तो दुर्योधन, क्या वो जानती थी ये सब? मैं तो खुद अभी पता चला। बहुत गलत हुआ है उसके साथ। दुर्योधन कहाँ है, नीचे नजर भी नहीं आई। उर्फी वो क्या करेगी, अब वापस गांव चली जाएगी? पता नहीं यार, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन पर तो ये खबर ऐसे ऐसे जैसे आसमानी बिजली की तरह गिरी, खामोश बुत की तरह खड़ी रह गई, कुछ नहीं कहा। जिन लड़कियों के सर पे बाप और भाई का साया नहीं होता ना, तो उनके साथ ससुराल वाले और शोहर ज्यादती करने से नहीं कतरते। उर्फी, तुम तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे ना? देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे घर वालों का रवैया मेरे साथ सही नहीं है, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो मेरे साथ बेवफाई नहीं करोगे? वादा करता हूँ तुमसे, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।